देखो आज फिर हमने आपके लिए कि टीएलएम तैयार किया है। टीएलएम हमने आपके लिए बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से तैयार किया है। जो शादी के कार्ड होते हैं उनसे हमने आपके लिए ये टीएलएम बुक तैयार की है। इसमें हमने आपके लिए क्या तैयार किया है? रायवाची शब्द। रायवाची शब्द क्या होते हैं? रायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी वस्तु को हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? लड़की। और लड़की यहाँ पर क्या बनाई है? लड़की की ये पिक्चर बनाई है। तो इस लड़की को और हम कौन कौन से नाम से पुकार सकते हैं? पुकारते हैं कन्या, बाला, किशोरी, बालिका। बोलिए, कन्या, बाला, किशोरी, बालिका। नेक्स्ट क्या आता है? फूल। यहाँ पर किसकी पिक्चर है? फूल की। फूल को और किस नाम से पुकारते हैं? सुमन, पुष्प, कुसुम, कलसुम। सुमन, पुष्प, कुसुम, कलसुम। गणेश। गणेश को और हम किस नाम से पुकारते हैं? गणेश को हम गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति। गजानन, विनायक, लंबोदर और गणपति। नेक्स्ट आता है पेड़। पेड़ को और कौन से नाम से पुकारते हैं? वृक्ष, वृटक, पादप, तरु। एक बार फिर बोले, वृक्ष, वृटक, पादप, तरु। नेक्स्ट आता है आम। देखिए किसकी पिक्चर है ये? आम। आम को क्या बोलते हैं? आम्र, रसाल, शहकार, अति सौरभ। क्या बोलते हैं? आम्र, रसाल, शहकार और अति सौरभ। नेक्स्ट है हमारा सूरज। सूरज देखिए यहाँ पर क्या बना है? ये सूरज। इसको और क्या बोलते हैं? रवि, भास्कर, दिनकर, भानु। बोलो, रवि, भास्कर, दिनकर, भानु। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरती, भू, धरा, भूमि। क्या? धरती, भू, धरा, भूमि। नेक्स्ट है हमारा चांद। ये किसकी पिक्चर है बच्चों? चांद। चांद को क्या कहते हैं? चंद्र, राकेश, शशि, मयंक। बोलो, चंद्र, राकेश, शशि, मयंक। बच्चों जैसे मैंने इनको बोला है उसी तरह से आपको इनको बोलकर अभ्यास करना है और अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करना है।